लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस। हे, उठिए, मैडम आई है। उठिए। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस, साइलेंस। गुड मॉर्निंग योर ऑनर। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जोड़ी ने 10 साल से पब्लिक की चहेती किरदार का कत्ल किया है। अच्छा, तो जब मर्डर हुआ तब पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ तक की एफआईआर की कॉपी भी नहीं है। मिलेगी भी नहीं क्योंकि दर्जी नहीं की। पुलिस की पूरी टीम को भी भेज देंगे ना मैडम जी, तो भी कोई सुराग नहीं मिलने वाला। सिर्फ वकील ही क्यों, पुलिस, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, ऐसे सैकड़ों को मौत के घाट उतारा है और इस तरह से सबके सामने कबूल कर रहे हैं। आप लोग मर्डरर हैं क्या? No, we are leaders. हमने कितने सारे लोगों के किरदार मारे हैं पर किसी ने हमको कोर्ट तक नहीं घसीटा। हाँ। लेकिन ये चालबाज खिलाड़ी के चलते हमें ये दिन देखना पड़ा। क्या कर सकता है, क्या करेगा और क्या करेगा तुम्हें? छोड़ ना, इन चिंदी चोरों के पीछे क्यों पड़ा है? वो क्यों घसीटेंगे? वो सब तो छोटे मोटे एक्टर्स थे ना, उनकी तुलना झांसी से बच्चा ही। मैडम क्या बोल रही है, मैडम क्या बोल रही है, सही बोलती है, आपको समझ में मार दूंगा। बचाई नीचे उतरो। ओके मैडम, ओके ओके। तो तुम कबूल करते हो तुमने मर्डर किया है? लॉयर झांसी का मैडम। लॉयर झांसी तो तुम ही हो ना? यस मैडम, आपने मुझे टीवी पर नहीं देखा। मैडम लगता है आपको ब्रीफ ठीक से नहीं मिला। इनकी शिकायत है इनके सीरियल के किरदार लॉयर झांसी को अचानक से शो में मार डाला। शो में मार डाला तो तुम केस लड़ने आ गई? ऑफ कोर्स। लगता है डेली शो के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है। जैसे ही मैडम अंदर आई आपको सलाम ठोकना चाहिए था। अरे आप मैडम के बारे में जानती क्या? जान जाएंगी तो समझ जाएगी। भी हो सकता है। लॉयर झांसी जीतेगी, हमेशा ही जीतेगी। लॉयर झांसी जीतेगी, हमेशा जीतेगी। देखा मैडम, मेरी फैन फॉलोइंग कोई छोटा मोटा किरदार नहीं था, फिर भी इन शैतानों ने मेरे किरदार को खत्म किया। इन्हें तो 5 महीनों की जेल होनी चाहिए। और रुको जरा, सजा सुनाने का काम मेरा है, मैं कर लूँ। प्रोसीड। हाँ कीजिए कीजिए। कोर्ट शूट के लिए देते हैं क्या? हाँ देते हैं। कितना रेंट होगा इसका? उन्हीं से पूछिए, बता देंगी। एक निहायत ही बेसलेस केस को इस कोर्ट में लाने के लिए और इस पवित्र न्यायालय को शूटिंग की जगह पर तब्दील करने की जुर्रत करने के लिए कुमारी सिरिशा की गलती को पहली गलती समझकर लीगल काउंसिल को 1,00,000 रुपए डोनेट करने का ऑर्डर दिया जाता है। साथ ही 1 हफ्ते तक आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और किसी सीनियर लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करने के बाद ही इन्हें कोई और केस लड़ने की इजाजत मिलेगी। साथ ही कोर्ट में इनके असिस्टेंट्स के रवैये को देखते हुए 10 दिन की सजा काफी नहीं है, इसीलिए इन्हें 1 महीने के लिए जेल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। लॉयर झांसी, आप हार मत मानना। हम न्यूज में डिबेट करेंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। जरूरत नहीं, जिस जज ने मुझे पूरे कोर्ट में सबके सामने नीचा दिखाया, मैं उन्हीं के सामने ऐसी दलीलें दूंगी कि वो खुद कहेगी कि लॉयर झांसी मुझे तुम पर गर्व है। क्या मुझे एक सेल्फी मिलेगी? और ये जरूर होगा। हाँ बिल्कुल, आपकी जूनियर बन जाऊंगी और खुद को साबित करूंगी। आपने गलती से मेरे जूनियर होने की बात कही है। आपने 6 बार क्यों कहा? वो क्यों? एक बात बताऊं, जब आपकी लाइन शॉर्ट हो ना तो उसे बार बार दोहराओ ताकि सामने वाला इससे कंफ्यूज हो जाए और सीन आपके कंट्रोल में। तुम जैसी लड़की को जूनियर रखकर मैं अपने करियर को खतरे में नहीं डाल सकता। देखो मैं किसी बड़े प्रोड्यूसर से बात करके उनकी वेब सीरीज में तुम्हें ग्लैमरस रोल दिला सकता हूँ। मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। सॉरी सीनियर, एक खूबसूरत हीरोइन जब आपकी जूनियर बनना चाहती है तो भाव क्यों खा रहे हो? मैं इस झांसी को अपने घर की लक्ष्मी बनाने की सोच रहा था, तू इसे मेरी जूनियर क्यों बना रहा है? तो यही फाइनल डिसीजन है? हाँ फाइनल है। तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। हर हाल में मुझे आप ही को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है? मेरी तो निकल पड़ी। गाड़ी निकाल। टडा, बिस्किट खाओगी? आपने पहचान लिया, मैं हूँ लॉयर झांसी। रोज टीवी पर जिसे आप देखते हो वो मैं ही हूँ। हेलो अंकल, मैं आपके बेटे के यहाँ जूनियर बनकर काम करूंगी। वैसे तो आप इस फील्ड में सबसे सीनियर है, एक बड़े जज, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। सिंसियर जज, दीजिए आशीर्वाद। सेलिब्रिटी हूँ ना,
इससे ज्यादा नहीं झुक सकती। दीजिए आशीर्वाद। सुखी रहो, अच्छे से सीखना। मेरा लड़का बहुत टैलेंटेड है। सी यू। कौन सा टैलेंट? मेरे एपिसोड से ही तो सीखता है। शायद आपने मर्डर केस के बारे में नहीं सुना होगा। हूबहू मेरी एक्टिंग की कॉपी करके मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को बाइज्जत बरी करवाया। मेरे बेटे ने क्रिमिनल के लिए केस लड़ा है? हाँ अंकल, ले चलिए आपके बेटे के पास, फिर देखिए। जैसे लॉयर वेणु गोपाल की असलियत उसके पिता राव गोपाल राव के सामने आ गई, वैसे ही आपके बेटे की असलियत आपके सामने लाऊंगी। 50% बहुत ज्यादा है भाई, थोड़ा कम करो ना, हम तो 4 लोग हैं भाई। मैं कोई इमोशनल लॉयर नहीं हूँ, पक्का कमर्शियल हूँ। सीनियर लॉयर झांसी, बताओ होम जज। ये इन्हें 7 ला रही है, मतलब जरूर इसने भांडा फोड़ दिया है। इसके सीरियल वाला एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर शिफ्ट हो चुका है। शायद तुम सही कह रहे हो सीनियर, अब क्या करें? भाई थोड़ा कम करो ना भाई। चुप बैठ रहे, ब्लडी क्रिमिनल। देखिए पापा, इसने 70 लाख चुराया, चाहता कि मैं केस लड़ूं। क्या मैं ऐसा केस ले सकता हूं? ठीक है भाई, ना आपका ना मेरा, फाइनल 40% खत्म करते हैं मामला। 40%? अरे प्रवीण, परसेंटेज की बात करके इसने मुझे खरीदना चाहा। मैं केस नहीं लड़ूंगा, दूसरे लॉयर तक ये पहुंचने ना पाए। क्या हुआ भाई? चोर, केस नहीं ले रहे हैं तो ज्यादा कमीशन देने का लालच दे रहा है। ले जा, चल खोपचे में ले, तो चीज का प्रबंध कर देता हूं। गलती हो गई भाई। बापू, यूं मैडम के साथ। चुप कर, तूने खूनी का केस लड़के उसे खून करने की सजा से बचा लिया है क्या? मेरा एपिसोड चुपल रहा। तुम चुप रहो, तू बता ये जो कह रही है वो सच है? हाँ सच है, मैंने किसी को खून के इल्जाम से बचाया, क्योंकि वो खून था ही नहीं। आपकी तरह मेरी तरह सीधा साधा इंसान है। ये तो कह रहा है उस आदमी ने मर्डर किया ही नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है अंकल? पूछिए कि मेरा सीरियल फॉलो करके इसने केस जीता है या नहीं। अब ये तेरा सीरियल का क्या ड्रामा है? ओहो पापा, मैं समझाता हूँ। तेरा क्या है? आप जरा कोच में तो चलिए। पापा को क्या बोलेंगे वो? ऐसा क्या, सीरियल में इसके किरदार को मार दिया तो ये कोर्ट गई लेकिन इसे ही सजा हुई? ऑफ कोर्स डैड। लॉयर का रोल निभाने के लिए इसने लॉ की पढ़ाई कर ली? यस डैड। इसका स्क्रू कहीं नहीं है? ऐसी बात नहीं है, जब से वो बचकुंडी थी ना तब से एक्टिंग कर रही है। उसे लगा वो बहुत फेमस बन गई है, सब लोग उसके साथ सेल्फी लेंगे। उसे लगता है वो इंद्रलोक की अप्सरा है। ऐसा क्या, मुझे बिचारी पे तरस आ गया इसलिए मैंने जूनियर बना लिया। उसके चक्कर में आप कहीं मुझ पर तो शक नहीं कर रहे? अरे नहीं है अंकल, महान लोगों के सामने कभी उनकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, इसलिए आपको कोने में ले गया ना। महान लोग? उंगली दिखाकर ये जताने की जरूरत नहीं कि वो महान है। मेरी सीरियल हिंदी में भी डब हो रही है। बेटी महान, जरा साइड देना। और नहीं झेल पाऊंगा मैं, अभी कर लेता हूं। आप आगे मैं पीछे। ए जरा रुको। नाउ व्हाट? जॉइन करते ही तुमने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और क्या, इस झांसी में इतनी आग है कि जहां भी जाएगी आग तो लगेगी। इसी आग की तो मुझे तलाश थी। ये आग तो लगने से रही। मैं लगा कर ही रहूंगा। अगर सीन में किसिंग की डिमांड हो ना तो मैं वो हूँ जो मिंट खा के किस करती हूँ। कैमरा के सामने जो भी डिमांड हो पूरा करती हूँ, लेकिन दिल तक पहुँचने नहीं देती। ओहो, 1 मिनट। हेलो भाई, आप उनका भाई घर पहुँच गया। 5 मिनट में इधर पहुँचो, जलसा करेंगे, साथ में चीयर्स भी। इश्क के जश्न के 2 घूट पीने चलोगे? नो वे। हाय, तो तुम हो नया पटाका, तुम चाहो तो तुम्हारी घर शिफ्ट करने में मदद कर दूं। आप कितने अच्छे इंसान हैं, ऊपर वाले ने आपको मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। हाँ जाइए। थैंक्स। हाँ सर, कहाँ गायब हैं आप सर, अभी घर आ सकते हो? अगर आपको पता चल जाता कि जलील खान जेल से बाहर आ गया है तो आप नंगा करके हमें नहलाते। किसने बाहर निकलवाया? लकी सर। एक जवान लड़का जिसने अभी प्रैक्टिस शुरू की है, वो कोई आम आदमी नहीं है सर। अगर एक बार वो कोई केस ले ले तो बड़े बड़े वकील भी उसके सामने पानी भरते हैं। वो बहुत चालाक है सर। अगर एक आम लॉयर ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि मुझे मारने आ सके तो उसे उनके साथ नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो उसे दफन करवा दें। इन्हें दफना दो, उसमें जान छूटेगी इनसे। इनकी बातों में आकर और उसे मानकर मैं सबको मरवाता गया, और ये लोग अपनी नाइट ड्रेस में आराम से सो रहे हैं और कान के बाल खींचते हैं और गिटार बजाते हैं। छे,
मुझे कोई तेज तर्रार आदमी चाहिए जो मेरे लिए आधी रात को भी काम कर सके। जल्दी बुलाओ उसे। तो परसों ही मिल लेते हैं। सुमा अपनी स्कूटी लाई हो ना? तो अब स्कूटी पे जाओगे आप? तुम परसों के लिए कह रहे हो तो उससे अच्छा मैं स्कूटी पर जाके मिलाता हूँ। समझ गया, लाता हूँ उसे। मैंने कभी अपनी प्लेट पर भी खाना नहीं परोसा। अगर तुम्हारी प्लेट पर परोस रहा हूँ तो मतलब मैंने तुम्हारे अंदर की खूबसूरती देखी है, मेरा मतलब टैलेंट देखा। आखिर इतने पैसे वाले आदमी को मेरा टैलेंट क्यों भाग गया, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं इतना दयालु नहीं हूँ, मेरे पास तो बैल बुद्धि भरे पड़े हैं। मेरे पिता हमेशा कहते थे, अगर खुद के पास बुद्धि ना हो तो कम से कम इतनी अकल रखो कि किसी अकलमंद को अपने साथ रखो, और मैंने हमेशा वही माना। तुम जैसे अकलमंदों का इस्तेमाल करके देखो, मैं यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन जिन लोगों को मैंने काम पर रखा है अपना सिस्टम चलाने के लिए, तुम्हें देख कर समझ में आया कि मेरा लॉ डिपार्टमेंट कितना निकम्मा है। देखो वहाँ देखो, सीनियर को पहले खाना मुझे भी खाने दो। अरे सीनियर हो गए तो इस तरह मेरे प्लेट से उठा लोगे? अजीब इंसान हो यार तुम। जूस और फ्रूट के लिए बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं। अगर मैंने तुरंत अपने इस डिपार्टमेंट को ठीक नहीं किया तो फिर से मैं देखो ये हाल है। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया, तुम भी पक्के कमर्शियल हो मेरी तरह है। अपने पापों का हिस्सा तुम्हें भी दूंगा। कल कोर्ट में तुम जलील की तरफ से केस मत लड़ो, मेरी तरफ से लड़ो। एडवांस में मैं तुम्हें इस विला की चाबी देता हूँ। सिर्फ चाबी ही नहीं, असली विला भी तुम्हारा रख लो। थैंक्स अ लॉट सर। वैसे इटली अच्छी थी, लेकिन आपके आलिशान विला में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें आप ही शिफ्ट हो जाइए। देखो शायद मेरी इतनी ताकत नहीं कि जिसने मेरा ऑफर ठुकराया मैं उसके ऊपर दबाव डालूं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है ताकत कहां से उधार मिलती है और उस पर दबाव बनाकर कैसे काम करवा सकते हैं। यही टैलेंट है मेरा। सर सर सर, आप अपनी ये भाईगिरी किसे दिखा रहे हैं? आपने अभी शुरू की होगी, मैं इसे खा कर पी कर हजम कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपको ट्रेलर देखने का शौक है तो बता दीजिए, यहाँ अभी इसी वक्त लाइव दिखा देता हूँ, देखोगे? जयम, अब निजाम आएगा। अगला लुखा वर्षम। Don't ask me more, don't wanna know. The time is not right, get it up here. Don't fake or play, don't hesitate. I'm gonna shut from falling now. Wanna taste what you get? सर जी, ट्रेलर पसंद आया हो तो पूरी फिल्म दिखाऊं? वैसे मेरा हीरोइज्म कुछ अलग लेवल का है। परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है कि पर्दा फाड़ कर रख देता हूं, केस की पहली तारीख में ही जजमेंट थमा देता हूं।
लकी कहाँ है? थोड़ी ही देर में जलील के केस की हियरिंग होगी, उसी की तैयारी में लगा है। ठीक है, तो हम दुकान पर इंतजार करते हैं। क्या अंकल, आप इतनी दूर तक आए हैं, दुकान में बैठने के बदले अपने बेटे को केस जीते हुए क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप? मैंने सीरियल में नकली कोर्ट में काम किया है, फिर भी मेरे घर वाले मुझे देखने आ जाते थे, और यहाँ तो आप उनके पिता हो और वो आपके नक्शे कदमों पर सही चल रहा है, फिर भी आप उसे नहीं देखना चाहेंगे? आपको तो गर्व होना चाहिए। बात तो सही है, पर 25 साल से ऊपर हो गए मुझे कोर्ट में कदम रखे। तो क्या हुआ, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? आइए। नहीं सर, कोर्ट में रुक कर ही आपके बेटे से भी मिल लेते हैं। चलिए आ जाइए अंकल।